हाय गाइस, वेलकम टू बैक टू अनदर वीडियो। और आज के वीडियो में मैं आपको शेयर करने वाला हूँ, आप अपने किसी भी वीवो और एंड्रॉयड के स्मार्टफोन पे ये स्टाइल का ऐप ड्रॉ इंस्टॉल कर सकते हैं। दोस्तों, कुछ कुछ वीवो फोन्स पे ऐप ड्रॉ नहीं है दोस्तों, और कुछ एंड्रॉयड डिवाइस में नहीं है दोस्तों, इसलिए मैं इस वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों। सो गाइस, अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक करना, ताकि ऐसे नए मेरे हर एक वीडियो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले मिल जाए। और इंस्टाग्राम टेलीग्राम वगैरह पर ज्वाइन कर देना, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको जिप फाइल डाउनलोड करना नहीं आता तो फिर आप डिस्क्रिप्शन में वीडियो को लिंक चेक कर सकते हैं दोस्तों, हाउ टू डाउनलोड जिप फाइल के नाम पे देखने को वीडियो मिल जाएगा। सो गाइस, बिना टाइम वेस्ट के आज के वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। सो गाइस, वीडियो से आगे बढ़ने से पहले मैं आपको फिर से बता देता हूँ, अगर आपको जिप फाइल डाउनलोड करना नहीं आता तो फिर आप डिस्क्रिप्शन में वीडियो को लिंक चेक कर सकते हैं दोस्तों। सो गाइज, सबसे पहले आपको जो डिस्क्रिप्शन में जिप का डाउनलोड दिया है, उसका पूरा का पूरा जिप आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपका वीवो का जो डिफ़ॉल्ट फाइल मैनेजर रहता है उसे ओपन कर लेना है, या अगर आपका और कोई भी स्मार्टफोन पे है तो फिर आप फाइल मैनेजर ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद ऊपर थ्री डॉट पर क्लिक कर सेटिंग पर चले जाएंगे। सेटिंग पर चले जाने के बाद आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, डिस्प्ले शो डायरेक्ट हिडन फाइल्स वाला ऑप्शन, यहाँ से इनेबल कर लीजिएगा। इनेबल करने के बाद डिवाइस स्टोरेज पर चले जाना है। डिवाइस स्टोरेज पर चले जाने के बाद आपको सिर्फ डाउनलोड फोल्डर यहाँ से फाइंड करना है। डाउनलोड फोल्डर फाइंड करने के बाद आपको जो मैं जिप डाउनलोड के लिए दिया था उस जिप को जस्ट आपको डिस्कम्प्रेस करना रहेगा दोस्तों। पासवर्ड का जब आपको वीडियो के अंदर ही देखने को मिल जाएगा दोस्तों, इसलिए मैं वीडियो को कहता हूँ वीडियो को फुल देखना दोस्तों। सो गाइस, मैंने इस जिप को डिस्कम्प्रेस कर लिया दोस्तों। सो गाइस, आप देख सकते हैं दोस्तों, काफ़ी सारे एपीके फाइल भी देखने को मिल जाते हैं दोस्तों इस जिप में, जो कि आइकन पैक एपीके है दोस्तों, जो कि मैंने खुद ही क्रिएट किया हुआ है दोस्तों। सो गाइस, आप देख सकते हैं दोस्तों, सीसी लॉन्चर करके आपको एक लॉन्चर भी देखने को मिल जाएगा दोस्तों इस जिप के अंदर, और आइकन्स भी देखने को मिल जाते हैं दोस्तों, आइकन पीएनजी। सबसे पहले आपको एक एक करके सारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। सबसे पहले आपको सीसी लॉन्चर इंस्टॉल करना है, उसके बाद जो थीम आपको पसंद है या फिर जो आइकन पैक आपको पसंद है यहाँ से इंस्टॉल कर लीजिएगा दोस्तों। वीवो X50 प्रो, वीवो X70, वीवो V19 और OneY 3.0, OneY 4.0 का लिंक मैंने दिया हुआ है APK फाइल, आप चाहें तो इंस्टॉल कर सकते हैं इनमें से कोई भी। और जो आइकन चेंजेस नहीं होते, इसलिए मैंने आइकन PNG दिया है, आप जाकर चेंजेस कर लेना दोस्तों। और सीसी लॉन्चर को इंस्टॉल करने के बाद उसको डिफॉल्ट लॉन्चर में सेट कर लेना है दोस्तों। सेट करने के बाद सेटिंग में जाकर सारी परमिशन अलाउ कर लेना है दोस्तों। अलाउ करने के बाद उसके जो प्रोसेस में दिखा रहा हूँ बस उस प्रोसेस को फॉलो करते जाना है दोस्तों। जो अगर आपके पास पुराना वाला सीसी लॉन्चर है उसे डिलीट कर लीजिएगा दोस्तों, और मैंने जो दिया था उसे ही इंस्टॉल करें दोस्तों, क्योंकि उसका बैकअप कुछ अलग सा टाइप का देखने को मिल जाता है दोस्तों। सबसे पहले आपको सीसी लॉन्चर ओपन कर लेना है। ओपन करने का आपको कुछ भी नहीं करना है, ड्रॉ ओपन कर लेना है, और जो परमिशन वगैरह मैंने कहा उसे यहाँ से अलाउ कर लेना है दोस्तों। अलाउ करने के बाद आपको होम स्क्रीन का अलाउ प्रेस कर रखना है, उसके बाद सीसी सेटिंग पर चले जाना है। सीसी सेटिंग पर चले जाने का यहाँ से कुछ ऐड आते हैं, आपको स्किप कर लेना है। स्किप करने के बाद आपको सिंपली चले जाना है एडवांस पे, सॉरी गाइस थीम वाई पे नहीं, एडवांस पे चले जाना है। एडवांस पे चले जाने के बाद आपको एक कीप मेमोरी वाला ऑप्शन आपको इनेबल देखने को मिल जाएगा, सिंपली आपको इस ऑप्शन को टर्न ऑफ करना है। टर्न ऑफ करने के बाद बैकअप एंड रिस्टोर का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा दोस्तों। यहाँ से आप बैकअप पर ऑप्शन पर क्लिक करके कोई भी नाम देकर बैकअप कर लीजिएगा। बैकअप करने के बाद रिस्टोर के ऑप्शन पर आपको जस्ट क्लिक करना है। रिस्टोर पर क्लिक करने के बाद आपको डिवाइस स्टोरेज पर चले जाना है। चले जाने के बाद डाउनलोड के फोल्डर पर चले जाना है, जो मैंने एक सीसी लॉन्चर का बैकअप दिया था उस बैकअप को सिंपल से आपको ओपन कर लेना है दोस्तों। सो गाइस, मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ, जो मैंने फोल्डर में एक रखा था उसे ओपन करने के बाद एक रिस्टोर का ऑप्शन भी आ जाएगा दोस्तों, आपको सिंपल सा इस पर क्लिक कर देना है दोस्तों, उसके बाद सक्सेस हो जाएगा दोस्तों। सो गाइस, हमारा पूरी तरह से सेटअप नहीं हुआ, इसलिए सीसी लॉन्चर को हम डिफॉल्ट लॉन्चर पर सेट कर देते हैं। सो गाइस, आप देख सकते हैं दोस्तों, हमारा होम स्क्रीन कुछ अभी भी बाकी रहेगा दोस्तों, इसलिए हम फिर से सीसी सेटिंग पर चले जाएंगे, उसके बाद थीम यूआई आइकन पैक पर चले जाएंगे, उसके बाद जो साइड में इंस्टॉल का बटन है उसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो दूसरे आइकन पैक जो देखने को मिल जाते हैं दोस्तों, दूसरे में और कोई आइकन पैक अप्लाई करने के बाद मैंने जो दिया था अडाप्टी आइकन पैक्स उसे फिर से अप्लाई करना रह गया, क्योंकि आइकन चेंजेस हो जाएंगे दोस्तों।
सो गाइस आप देख सकते हैं दोस्तों, मैंने दूसरा वाला आइकन पैक अप्लाई कर लिया। उसके बाद अडाप्टी आइकन पैक्स भी यहाँ से अप्लाई करे था हम दोस्तों, जो मैंने दिया था दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक। सो गाइस आप देख सकते हैं दोस्तों, मैंने 1y4 की आइकन पैक इंस्टॉल किया था, इसलिए 1y4 की जैसा मेरा ड्रॉअर का आइकन पैक अप्लाई भी हो गया और होम स्क्रीन पर की आइकन भी चेंजेस हो गया दोस्तों। आप चाहें तो वीवो X70 का भी आइकन पैक इंस्टॉल भी कर सकते हैं दोस्तों, और वीवो X50 Pro का भी आइकन पैक मैंने दिया है डिस्क्रिप्शन में लिंक। सो आप सारे आइकन पैक को एक एक बार इंस्टॉल करके ट्राई कर लीजिएगा गाइज। याद रहेगा मैं आपको दूसरा भी आइकन पैक इंस्टॉल करके दिखा देता हूँ। सो मैंने ये अडाप्टी आइकन पैक को इंस्टॉल कर लिया दोस्तों। सो गाइज इंस्टॉल करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, सो मैं इसे सो इंस्टॉल भी हो गया दोस्तों। होम हो जाने के बाद CC सेटिंग पर फिर से वापस जाना है, थीम UI आइकन पैक पर चले जाना है। साइड में आपको इंस्टॉल का बटन देखने को मिल जाएगा, उस पर क्लिक कर कोई अलग सा आइकन पैक इंस्टॉल करना है दोस्तों, सॉरी गाइज अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद फिर से आपको इंस्टॉल पर चले जाना है, और जो मैंने दिया था अडाप्टी आइकन पैक फिर से आपको अप्लाई करना है। सो गाइस आप देख सकते हैं दोस्तों, वीवो V19 की तरह चेंजेस हो गया है दोस्तों होम स्क्रीन हमारा। ऐसे ही करके आप कोई भी APK फाइल को यहाँ से इंस्टॉल करके उसके आइकन को चेंजेस कर पाएंगे दोस्तों। मैंने आपको एक और सा भी करके देखा रहता हूँ। सबसे मैंने जो प्रोसेस कहा था CC सेटिंग पर जाकर थीम UI आइकन पर जाकर जो कहा था उसे सिंपल आपको फॉलो करते चले जाना है। उसके बाद मैं ऐसे दूसरी आइकन भी ऐसे अप्लाई कर देखा रहता हूँ दोस्तों। आप देख पा रहे हैं गाइज दूसरा भी आइकन पैक आप यहाँ से अप्लाई भी हो गया है दोस्तों। मैंने सिलेक्ट किया था वीवो X50 Pro का, सो हमारा वीवो X50 Pro का आइकन पैक इंस्टॉल हो गया दोस्तों। सो गाइज मान लीजिए कि मेरा आई मैनेजर का आइकन चेंजेस नहीं हुआ, इसलिए आपको कुछ भी नहीं करना है। जो आइकन चेंजेस नहीं हुआ उसके ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद जो राउंड पिक्चर का एडिट पर चले जाना है, राउंड पिक्चर पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो अडाप्टी आइकन पैक से मैंने दिया था डिस्क्रिप्शन में लिंक, आप डायरेक्टली उस पर क्लिक करके जो आइकन पैक इमेजर से कोई बैग चूज करके ऐसे लगा सकते हैं दोस्तों। मैं रिकमेंड करूँगा कि दोस्तों मैंने जो आइकन PNG दिया था दोस्तों, आप आइकन PNG से ही चेंजेस करें जो दोस्तों डायरेक्टली गैलरी में जाकर। सो गाइस आप देख सकते हैं दोस्तों, ऐसे डायरेक्ट गैलरी में चला जाता हूँ, और मैंने जो आइकन PNG दिया था दोस्तों डिस्क्रिप्शन में, आपको उसे सिलेक्ट कर रिसाइज कर ओके कर लेना गाइज, आपके होम स्क्रीन में आइकन चेंजेस हो जाएंगे दोस्तों, काफ़ी कूल सा लुक देखने को मिल जाएगा दोस्तों। आप अपनी तरफ से होम स्क्रीन को सेटअप कर सकते हैं दोस्तों, अगर आपको सेटअप अच्छा नहीं लगता दोस्तों। होम स्क्रीन में लेआउट भी ऑप्शन चेंज कर सकते हैं, 4:6 रख सकते हैं, लेकिन मैंने 5:6 रखा हुआ है दोस्तों बैकअप में। सो आप देख सकते हैं दोस्तों, मैंने आइकन PNG का फोल्डर भी दिया हुआ है। मैंने X70 Pro का आइकन पैक इंस्टॉल कर लिया, और जो मैंने प्रोसेस बताया था उसे आपको जस्ट फॉलो करते चले जाना है। यहाँ से मैं वीवो X70 Pro का आइकन पैक भी यहाँ से अप्लाई कर देता हूँ दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कैसे आपको अप्लाई वगैरह करना है दोस्तों। आप देख सकते हैं दोस्तों, होम स्क्रीन में हमारा आइकन चेंज हो चुका है दोस्तों। सो अगर आपको अडाप्टी आइकन पैक्स बनाना नहीं आता तो फिर मुझे डिस्क्रिप्शन में हमें कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। अब मैं विडजेट्स को सेटअप कर देता हूँ दोस्तों, क्योंकि हमारा होम स्क्रीन कंप्लीट वीवो X70 की तरह ही लगे दोस्तों। आप देख सकते हैं दोस्तों, आपका जैसा मन करे वैसा सेटअप ही रख सकते हैं दोस्तों। सबसे पहले आपको CC सेटिंग में चले जाना है, यहाँ पर आपको फोल्डर का स्टाइल में ऐसे सर्कल कर लेता हूँ दोस्तों, क्योंकि X70 Pro में जो फोल्डर का आइकन होता है वो सर्कल में ही होता है। आपको कुछ भी नहीं करना है, CC सेटिंग पर चले जाकर फोल्डर में जाकर उसके आइकन सेप चेंजेस कर देना है दोस्तों। अब भी कुछ ही आइकन स्क्वायर बच गए हैं, आपको कुछ भी नहीं करना है, उसके लॉन्ग प्रेस कर रखना है, एडिट पर चले जाना है, उसके बाद फील एट सर्कल पर क्लिक करके ओके पर क्लिक कर लीजिएगा। इससे करके आप सभी आइकन्स को सर्कल में कन्वर्ट कर सकते हैं दोस्तों। सो गाइस आप देख सकते हैं दोस्तों, हमारा होम स्क्रीन काफ़ी हद तक वीवो X70 की तरह ही चेंजेस देखने को मिलते जाए दोस्तों। सो गाइस उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को प्लीज़ एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर देना, ताकि ऐसे में हर एक वीडियो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले मिल जाए। सो गाइस हम आप देख सकते हैं दोस्तों, काफ़ी सारे आइकन पैक देखने को मिल जाते हैं दोस्तों। और एक बात मैं आपको रिकमेंडेड करूँगा कि जो आइकन पैक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है दोस्तों, आप एक साथ एक ही यूज कर सकते हैं दोस्तों, दूसरा नहीं यूज कर सकते हैं दोस्तों। अगर आपको यूज करना है तो फिर आपको दूसरा भी इंस्टॉल करना रहेगा दोस्तों। अगर है कि आप ये आपको लॉन्चर पसंद नहीं आता तो फिर आप सिस्टम डिफॉल्ट आप सेटिंग पर जाकर आपका अपना सिस्टम होम स्क्रीन सिलेक्ट कर लेना दोस्तों। अगर आपको पसंद आता है फिर से डिफॉल्ट आप सेटिंग पर जाकर होम स्क्रीन को
सीसी लेंसर में कन्वर्ट कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ से डिफॉल्ट लेंसर में। सो गाइस आप देख सकते हैं दोस्तों काफ़ी हद तक हमारा होम स्क्रीन चेंजेस हो चुका है दोस्तों। अगर आपको वीवो X70 Pro का वॉलपेपर नहीं है तो फिर मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया हुआ है X70 Pro का वॉलपेपर, और अदर्स वॉलपेपर तो स्टॉक की प्रो में मिल जाता है दोस्तों, आप जाकर डाउनलोड कर लेना दोस्तों। सो गाइस आप देख सकते हैं दोस्तों हमारा होम स्क्रीन सेटअप कम्प्लीट हो चुका है दोस्तों। ये सभी आइकन पैक APK को मैंने ही क्रिएट किया है दोस्तों। अगर ये APK फाइल और किसी चैनल पर डिस्प्ले किया जाता है या यूज़ किया जाता है मेरे कंटेंट को, तो फिर मैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।